तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सामने में खाई। भाई टेम्पल अल्टीमेट टेम्पल है, इसे बोला भी जाता है कि एक ही रात में निर्माण हुआ है। वो तीन टेम्पल है, उमना का हो गया, देकुंड हो गया एंड सन टेम्पल हो गया आपको, और इसे भैया टेम्पल ऑफ द फैक्ट्री बोलते हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई साहब टेम्पल को तोड़ा गया है। मॉर्निंग फ्रॉम बिहार। भैया बिहार जो है, बिहार एक जो नाम है अपने अंदर इतनी इतिहास दबा के बैठी हुई है कि बिहार को वासियों को ही पता नहीं है। जिसे देख लो लैंड ऑफ विष्णु एंड बुद्धा, जहाँ हमारे यहाँ है लैंडमार्क। यो भाई ये धरती है बुद्धा की एंड विष्णु की। तो अपन फिर से एक वीडियो लेकर आ गए हैं बिहार के बारे में। तो अपन किसके बारे में बात करने वाले भैया? उमगा। उमगा क्या है? इसको बोलते टेम्पल ऑफ द फैक्ट्री, मीन्स यहाँ पर टेम्पल का होता था निर्माण अपने जमाने में। यहाँ पर टेम्पल का होता था निर्माण है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, बोला भी जाता है कि देव टेम्पल, देकुंड टेम्पल एंड मुंगा टेम्पल एक ही रात में हुआ है निर्माण। बनाने वाले कौन है भाई? विश्वकर्मा जी, जो गॉड है वो बनाने वाले हैं। जो सामने दिखाई दे रहा टेम्पल दिखाई दे रहा है वही आपको मुंगा टेम्पल है। भैया कौन से गॉड का है टेम्पल है ये? ये आपको सूर्य भगवान का टेम्पल है। बिहार में दो टेम्पल सूर्य भगवान के, एक है देव टेम्पल जिसका भाई गेट पश्चिम की तरफ है, उत्तर की तरफ है, एक हो गया मुंगा। एक जगह और है टेम्पल सूर्यदान का नहीं है, वहाँ पर टेम्पल है भोलेनाथ का। बोला भी जाता है, इतिहासकार ही बताते हैं कि मुंगा टेम्पल एंड देव एंड आपको देवकुंड एक ही रात में हुआ है निर्माण हुआ तीनों टेम्पल के बारे में। चलते जानते हिस्ट्री इसके बारे में, क्या हिस्ट्री है। तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सामने में खाई। भैया टेम्पल अल्टीमेट टेम्पल है, इसे बोला भी जाता है कि एक ही रात में निर्माण हुआ है। वो तीन टेम्पल है, उमना का हो गया, देकुंड हो गया एंड सन टेम्पल हो गया आपको देव का। तो एक ही रात में हुआ निर्माण, और इसे भैया टेम्पल ऑफ द फैक्ट्री बोलते हैं। बोला भी जाता है कि टेम्पल का होता था निर्माण, मीन्स टेम्पल यहाँ से बन कर वो जाते थे। भाई उस टाइम जमाने में कैसे बनता टेम्पल और कैसे जाता होगा? और जीता जाता का उदाहरण है ये टेम्पल। देखो ये टेम्पल आपको सूर्य भगवान का है, सामने मसूर है भी, ऊपर भी, यहाँ भी। बोला भी जाता है कि यहाँ पर 152 टेम्पल है। अब तो खंडर बन चुके हैं, बट ये टेम्पल आपको उदाहरण है। तो अपन वो भी दिखाएंगे और ये भी दिखा रहे हैं। इतिहासकर्ता यही मानते हैं कि उमगा पहाड़ एक अपने आप में यूनिक पहाड़ है। यहाँ काले पत्थर पाए जाते हैं एंड इस पत्थर के बनाए हुए टेम्पल एंड मूर्ति आयु लाख साल होती है। देखो यहाँ टेम्पल का मैंने पहले बताया, टेम्पल कमी नहीं है। देखो यहाँ भोले बाबा का शिवलिंग है, यहाँ पर भाई 152 टेम्पल है बोला भी जाता है, और ये काला पत्थर आपको है। तो नीचे में भैया टेम्पल आपको सूर्य भगवान का है, अपन जा रहे हैं ऊपर। यहाँ पर उमगेश्वरी माता भी वहाँ जा रहे हैं। मैंने पहले बोला आपको भाई उमगा पहाड़ को बोलते हैं टेम्पल ऑफ द फैक्ट्री, यहाँ पर 152 टेम्पल है। तो टेम्पल रास्ते मिलते जा रहे हैं अपन को। ये आपको भोले बाबा का टेम्पल है जिसमें शिवलिंग, एक बड़ा शिवलिंग है जिसमें 1000 शिवलिंग का है। देखो इसके अंदर बहुत बड़ा शिवलिंग है, इसी शिवलिंग के अंदर 1000 शिवलिंग बने हुए हैं। तो भैया बिहार ने अपने अंदर इतने इतिहास छुपा के रखे हुए हैं कि यहाँ के लोग को पता नहीं है। तो घूमना भाई है पहली बात, तो अपने बिहार घूमते हैं, दिन कहीं और घूमो। तो कहाँ पड़ता है? पड़ता है औरंगाबाद में। अपन अब चल रहे हैं ऊपर।
सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां पहुंचना था, मैंने उंगेश्वरी माता, वहां वहां टेंपल है, यहां भी टेंपल है भगवान का। देखो यहां जितने भी आपको दिख रहे पिलर, वो माउंटेन काटा हुआ, पत्थर काटा हुआ है, सारा ब्लैक स्टोन है, सारा वो काट के तरफा गया है। ऐसा लग रहा है कि भाई साहब टेंपल को तोड़ा गया है, उस जमाने में टेंपल को तोड़ा गया है। यहाँ भी टेंपल है, वहाँ भी टेंपल है, देखो और ऊपर देखो माउंटेन पर, वहाँ भी टेंपल है, वहाँ भी टेंपल है और वहाँ भी टेंपल है। देखा जाए तो भाई ये टेंपलों का हब है, 152 टेंपल है यहाँ पर उमगा में। फेमस टेंपल क्यों है, ये टेंपल एक्चुअली फेमस है आपको सन टेंपल के लिए, जो नीचे में आपको सन टेंपल है और ऊपर में आपको उंगेश्वरी माता यहाँ पर है, वो यहाँ पर माता है उंगेश्वरी माता। एंड बहुत सारे टेंपलों का हब है, वहाँ भी टेंपल है। देखा जाए तो भोले बाबा का टेंपल है बहुत सारा है, एक टेंपल नहीं है, मिनिमम टेंपल होगा भोले बाबा का 100 टेंपल होंगे भोले बाबा का, सिर्फ भोले बाबा का है, और बाकी भी भगवान लोग के हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, सूर्यवान का टेंपल है, माता का टेंपल है, और भी लोग के हैं। तो उमगा माउंटेन जो अपने अंदर इतने इतिहास छुपा के रखे हुए हैं कि भाई किसी को पता नहीं इतिहास के बारे में, यहाँ पर कब क्या हुआ। बोला ये भी जाता है कि 152 टेंपल में एक ही टाइम, एक ही समय, एक ही वक्त पर दीप को जलाया जाता था। मैं सोच लो भाई 152 होते होंगे पुजारी उस टाइम अपने जमाने में, बट अब ऐसा है नहीं, सारे टेंपल के पुजारी अलग नहीं है। ये तो टेंपल जो फेमस है, तो आप नीचे में हो गया सन टेंपल एंड यहाँ पर हो गया आपको, यहाँ पर हो गया उंगेश्वरी माता, यहाँ पर आपको बैठते हैं साधु लोग, नीचे में नहीं बैठते हैं। बाकी टेंपल जो है, देखो ऐसा होता है फील कि टेंपल को तोड़ा गया है, बट इतिहास गवाह है भाई बिहार के लिए, बिहार ने अपने अंदर काफ़ी राज छुपा के रखे हुए हैं। और टेंपल का भाई यहाँ पर हब है, देखा जाए टेंपल का हब यहाँ पर है। ये पहाड़ है भाई, औसम पहाड़ है। सो बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नए वीडियो में नए जगह के साथ।